काश ये शिकवा रह जाता फर्स्ट लेडी को। फर्स्ट लेडी यानी जनरल विपिन रावत की अर्धांगिनी मधुलिका रावत। कई बार विधाता का लेखा ना समझ आता है ना पढ़ा जाता है। मधुलिका रावत की सबसे बड़ी शिकायत जनरल से सिर्फ यही थी कि वो एंटाइटल हैं, उसके बाद भी उनको वो बाहर के दौरों पर लेकर नहीं जाते। जिंदगी की अगर उनकी ये शिकायत कायम रहती तो शायद उनकी जिंदगी बच जाती और दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी के सिर से पिता के साथ साथ माँ का साया नहीं उड़ता। सात फेरों के साथ, सात जन्मों तक साथ निभाने की जो कसम उन्होंने खाई थी वो मरते मरते भी निभा गई मधुलिका रावत। सृष्टा के इस दुष्चक्र का राज तो कौन बता सकता है, लेकिन राज की बात यह है कि जनरल रावत की पोस्टिंग लगातार ऐसी रही कि परिवार के लिए आम तौर पर उनके पास समय ही नहीं होता था। वो अफसर थे, लेकिन वो अपने से नीचे के अफसरों ही नहीं बल्कि नॉन कमीशन अधिकारियों और जवानों के मुद्दे पर भी बेहद संवेदनशील रहते थे, उनसे मिलते थे। पहले तो देश की सरहदों की सुरक्षा उनके जीवन का प्रथम ध्येय था। इसके अलावा देश के अंदर पनपे दुश्मनों को लेकर भी वह पूरी तरह से सतर्क रहते थे। किसी संवेदनशील या सामरिक लिहाज से अहम दौरे पर वो अधिकृत होने के बावजूद सेना में फर्स्ट लेडी का दर्जा प्राप्त अपनी पत्नी मधुलिका के साथ नहीं जाते थे। राज की बात ये कि जब कोई गेट टुगेदर या पार्टी होती तो उसमें मुस्कुराते हुए मधुलिका रावत जनरल से शिकवा भी करती थी। वो अक्सर कहती थी कि जनरल साहब अक्सर मुझे दौरों पर लेकर ही नहीं जाते। हालांकि फर्स्ट लेडी होने के नाते सैन्य अफसरों और सैनिकों की पत्नियों के कल्याण की और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली तमाम योजनाओं में उनकी जरूरत भी होती थी, वे उसमें अक्सर व्यस्त रहती थी। पूरी शिद्दत से अपना योगदान देती और खास तौर से सैनिकों की विधवाओं और उनके अनाथ बच्चों के कल्याण से जुड़े मसलों पर वे बेहद सक्रिय और संवेदनशील रहती थी। राज की बात यह है कि जनरल रावत को जब भी कभी बाहर दौरे पर जाना होता तो आम तौर पर उनका दौरा इतना टाइट और व्यस्त होता था, उन्हें अपने अधिकारियों के साथ में बैठक करनी होती थी, लिहाजा फर्स्ट लेडी उनके साथ जा ही नहीं पाती थी और इस बात का उनको मलाल ही रहता था। लेकिन इस दफा वो एक लेक्चर के लिए जा रहे थे और वहाँ पर मधुलिका रावत को भी सैन्य अफसरों की पत्नियों और जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं उसकी समीक्षा भी करनी थी, इसलिए वो भी साथ में गई थी। लेकिन वो ऐसा साथ गई कि दोनों फिर वापस लौट के आ ही नहीं पाए और दोनों बेटियाँ कृतिका और तारिणी सिर्फ यही कह रही हैं उन्हें कल ही तो आना था। ABP News आपको रखे आगे।